अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मी गॉसिप गुरु, मगर मेरा नाम है फराजुद्दीन। आज हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, कशफ अंसारी और उमर मुगल, दोनों बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, हमारे शो का हिस्सा हैं। आज इनसे बात करेंगे कि आज इन्होंने शो में आके क्या किया, इनको शो कैसा लगा, और कशफ और उमर 2022 में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो गाइस, दिस इज मी कशफ अंसारी और आज का शो मैं होस्ट करने वाली हूँ। और मैं यहाँ पे आई थी गेम शो में और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमें गिफ्ट कुछ नहीं मिला है, फराज भाई हमें गिफ्ट कब मिलेगा? अलिफ भाई हमें पीछे तो देख कर हंस रहे हैं, मुझे नहीं चुप चुप सिर्फ मैं बोलूँगी और कोई नहीं बोलेगा। ये बातें बोलने की नहीं होती, गिफ्ट नहीं मिला। नहीं, ये वैसे बातें बोलने की नहीं तो कितने मिला, मेरे से मिलना चाहिए। सुन लो, दो कप चाय, 5 जिंगर, कोल्ड ड्रिंक, बिरयानी, कोरमा सब लपेट लिया और अभी भी बोल रही हो कुछ नहीं मिला। झूठ नहीं बोल, झूठ झूठ है लोग। अच्छा आप जरा सीरियस बात पर आ जाएं, ऑडियंस जरा चाह रही है कि हम सुन लें। कशफ पहले 100 रुपए वाली बिरयानी का करा और हमारे लिए 500 रुपए वाली ले। सुन तो लो कशफ, 2022 सबसे पहले आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। शादी होने वाली, मेरी सिर्फ मंगनी हुई है, शादी होने वाली, इंशाल्लाह अभी करूंगी शादी, पहले लड़का ढूंढ। यार मतलब मंगनी हो गई और लड़का ढूंढ, शादी के लिए लड़की, हम नहीं बात कर रहे से पहले मंगनी, अब शादी के लिए भी तो लड़का ढूंढो बड़े। मंगनी कर ली तो लड़का ढूंढ लिया होगा ना। मजाक कर रही हूँ यार, क्या हो गया, ओवर एक्टिंग कर रही हूँ ना, मुझे पता है। उमर क्या गोल्स हैं 2022 में, आप क्या करने वाले हो ये बताओ जल्दी से। 2022 के लिए मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा, अल्लाह कर 2022 हमारे लिए सबके लिए अच्छा हो। जो शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, देखा था क्या, देखा ख्वाब में, बातें करो। 2022 हमारे लिए अच्छा होगा, अल्लाह पाक दुआ करते हैं आपके लिए अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा हो। 2022 में मेरे दो सॉन्ग आने वाले, एक अपना जिंदगी सॉन्ग आने वाला है और एक माजीरो पे सॉन्ग आने वाला है। दो सॉन्ग मैं भेजने वाला हूँ बस। अच्छा उमर, इसके अलावा लाइक दो सॉन्ग्स आपके आने वाले हैं, इसके अलावा क्या क्या प्लानिंग से आप 2022 में और मजीद क्या करने वाले हैं बताइए। आउट ऑफ सिटी जाने वाला हूँ। कहाँ पे भाई? पाकिस्तान टूर पे जाने वाला हूँ, बहुत जल्द वहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह करूँगा और जितने फैंस वगैरह सबसे मिलना होगा, लाहौर हो गया, सक्कर, लाड़काना, गुजरा वाला और जो भी है, बस वहाँ पे बस जल्द से जल्द मुझे टिकट भेजें। उमर ये बताएं कि जो हमारा रमजान में जो सीजन स्टार्ट होगा, मैंने देखी थी वो सच थी, माइक बंद हो जाएगा। 2022 में जो हमारा सीजन स्टार्ट होगा, नया सीजन स्टार्ट होगा, रमजान आने वाले हैं, तो उसमें आप लोग क्या समझते हैं, आगे आइए, उसमें आप लोग क्या समझते हैं कि ऑडियंस आनी चाहिए या फिर कंटेस्टेंट के साथ दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए? मतलब मैं आज आई ना तो मुझे ऑडियंस के साथ इतना मजा आया, टाइम का पता ही नहीं चला कि कब में गुजर गया। एक तो ऑडियंस इतनी एनर्जेटिक इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश आ रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं कहती कि ऑडियंस के साथ भी होना चाहिए, बट एक साइड पे हमें भी बुला ही लो यार, चलो आ जाओगे यार। उमर आई मीन रमज़ान में ऑडियंस होनी चाहिए या फिर कंटेस्टेंट होने चाहिए? हो और हम भी खेले तो मज़ा आता है इनके साथ मिलकर खेलने का। अगर सिंगल खेलते हैं, सिंगल भी बात, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया। वार्म अप जो होते हैं ना, वार्म अप अभी तक न्यू आके करेंगे और आज की एक्टिंग आपने देखी कैसी लगी यार, शानदार। अच्छा उमर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह हर अल्लाह पाक ने इंसान को लाइक टैलेंट दिया होता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हिडन टैलेंट होता है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह उमर यू नो हर चीज़ में बड़ा परफेक्ट है। लाइक सिंगिंग की बात करें, डांसिंग की बात करें और एनर्जी की बात करें और उसके साथ साथ एक्टिंग की बात करें, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। उमर ये आपके पास बहुत सारी लाइक क्वालिटीज़ मौजूद हैं और मैं ख़ुद आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लाइक सिंगिंग आप बहुत अच्छी करते हैं और जो आज आपने गाना गाया कमाल का था। ओके उमर थैंक यू सो मच कि आप आए, आपसे आज मुलाकात हुई, थैंक यू सो मच। वो मैंने जो गाना गाया था वो उसका राहत का था, कमाल का नहीं था। ओके वेल जनाब, अब आपको लेकर चलेंगे आज के विनर्स के पास, किसने क्या जीता, क्या खोया, क्या पाया, किसको क्या मिला। इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, बच्ची को गोद में इन्होंने लिया हुआ है, आज हमारे शो में मौजूद हैं, इनसे पता करते हैं आज इन्होंने शो में क्या खाया, क्या लूटा। सलाम अलैकुम। अभी तक कुछ भी नहीं खाया, अभी खाऊंगा। क्या खाने वाले हैं आप? बस टॉफी है जो आई थी हाथ में। शो कैसा लगा? बहुत जबरदस्त लगा। क्या शो में क्या जबरदस्त लगा? पूरा शो अच्छा लगा। एक इंटरेस्टिंग चीज बता दें, इंटरेस्टिंग चीज बता दें। गाने, हाँ सिंगिंग बहुत अच्छी थी। भाई अभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और भाई को नहीं समझ में आ रहा है कि जवाब क्या देना है, बात क्या करनी है, ये यहाँ पर है तो ये हंसती रहेगी। बाकी इस वक्त हमारे साथ जनाब एक बच्चा मौजूद है, इसके पास है गिफ्ट एम्बर। आपका नाम क्या है? हेनरिक। ओके, शो कैसा लगा आपको? अच्छा। क्या अच्छा क्या लगा शो में? दानिश तंबूर को देखा। दानिश भाई को आपने देखा, ये आपको बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हो आप? पलवान गोट। ओके भाई, आपका नाम क्या? रीता। क्या नाम है आप? अनी सर। कहाँ से हैं आप? लांडी से। ओके सर, शो कैसा लगा?
VIP लगा। VIP में क्या चीज़ VIP लगी? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बोल VIP में बहुत अच्छा लगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। और जनाब अब आपको लेकर चलते हैं विनर्स के पास। यहाँ पर तो जनाब पूरी दुकान लगी हुई है, यहाँ पर तो पूरी दुकान लगी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ वो फैमिली मौजूद है जिन्होंने आज का पहला ब्रीफ केस खेला। तकरीबन 500 लोग आज यहाँ पर मौजूद थे, 500 लोगों में पहली फैमिली ये थी जिन्होंने आज का ब्रीफ केस खेला है। क्या जीता मैं तो भूल गया, इनसे पता करते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों को आज का एक बहुत बड़ा लाइक गिफ्ट मिला है, और बाकी के जो लोग मौजूद थे उनको भी मिला, लेकिन उस तरह नहीं मिला जैसा आपको मिला है। ये बताइए कि शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहले आप बताइए। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और बहुत इन्जॉय किया। क्या बहुत क्या इन्जॉय किया आपने? मतलब सबसे बड़ी बात, दानिश भाई मुझे बहुत पसंद है, तो उनके शो में आना, और उसके अलावा अच्छा। इसके अलावा आप बता दें, दानिश भाई हमारे बहुत फेवरेट थे, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन थे। मतलब थे मतलब हैं यार, मतलब जब तक हम उनको देखते थे अब हैं, अब डबल फेवरेट हो गए। पर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं, बस आपस में हमारी इतनी वो नहीं हुई और ऑफर इन्होंने जल्दी ले ली। हमारा थोड़ा टारगेट था कि कुछ। आपका दिमाग क्या था, आप ये बताएं? दिमाग यही था, तो मैं कह रहा था ब्रीफ केस लो, बस इनके थोड़े जज्बात है। आपने जीता क्या? जीता हमने उनके ऑफर ले, 4.5 लाख जीते, 3 बाइक जीते। लेकिन तुमने सिक्योरिटी वगैरह बुला ली है, लेके कैसे जाओगे? ले जाएंगे वो तो, मुझे तो इनसे ही डर लग रहा है, आपस में लड़ मड़ के पता नहीं क्या होगा। ये बोलने ले जाएंगे तो क्या ले जाएंगे भाई? ले जाएंगे जो इनाम में जीते हैं, जो इनाम दिल वाले जितने भी गिफ्ट्स मिले हैं सारे ले जाएंगे। यार मेरी जो ना इंगेजमेंट है, अब ससुर की थोड़ी डिमांड थी तो मैं उस हिसाब से खेल रहा था, यकीन मान। एक्चुअली ये थोड़ा प्रेशर में खेल रहा था। मेहनत करो ना यार, कर रहे ना, करके लाओ ना, शॉर्टकट ले दे। आने से पहले कहते बड़ा सोचो फिर आओ, तो हम बड़ा सोच कर आए थे ना, हम शॉर्टकट में ना बहुत कुछ चाहते थे। आप बताइए, आप बताइए आपको शो कैसा लगा? बहुत जबरदस्त लगा। जबरदस्त था शो में? जबरदस्त यही कि काफी सारे गेम्स हुए और अच्छा हमने जो है उसको देखा, एंजॉय किया। आपको अच्छे लगे, फिर आपने देखा और फिर आपने एंजॉय किया? बिल्कुल ऐसा ही है, एंजॉय कर लेते पहले देखेंगे फिर एंजॉय करेंगे ना। पुशअप भी हमने करे, बाइक जीतने का ख्याल था, बाइक नहीं जीत पाया। मैंने बहुत कोशिश की, एक जगह इन्होंने फंसवा दी और एक जगह मेरे टिप्स ने मुझे फंसवा दिया। आपको शो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। शो में बहुत अच्छा क्या लगा? मतलब हम लोगों ने क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? हम लोगों ने मजा किया, गेम्स खेली, जीते भी, बस ना, और क्या बताऊं। सब ज्यादा क्या सीखा आप? बहुत कुछ सीखा। आई मीन नेक्स्ट टाइम के लिए अगर दोबारा कभी लक, ये सीखा कि जल्दबाजी नहीं करनी और इनको सीखना चाहिए। क्यों मैं इनको रोक रहा था कि आप नहीं ऑफर नहीं लो, ये जज्बात में आगे बस 4.5 लाख देकर लेके चलो। ये कौन है आपके? ये कौन है आपके? दोस्त। आपके दोस्त हैं? और ये भी दोस्त है मेरे। और ये मेरी बहन है। आपकी बहन? ओके, अच्छा दोस्त भी आए हुए हैं और दोनों बहनें भी आई हुई हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जब लाइक हमारे पास कंटेस्टेंट वगैरह आया करते थे यहाँ पे, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स, लाइकर्स, चैंपियंस, तो वो वाला फॉर्मेट अच्छा था कि ये वाला फॉर्मेट अच्छा है? दोनों ही अच्छा था। नहीं तो बोलने थे, दोनों अच्छा था, दोनों अच्छे थे। रमजान में ऑडियंस होनी चाहिए या फिर कंटेस्टेंट होने चाहिए? ये लड़का इस लड़की को नहीं बोलने दे रहा यार, ये लड़का इस लड़की को नहीं बोलने देगा, किसी को भी नहीं बोलने देता, नहीं बोलने देता। अभी तक टेप क्यों नहीं लगाया फिर? पास नहीं है ना, होता लगा भी देती। बताएं रमजान में क्या होना चाहिए, ऑडियंस या फिर कंटेस्टेंट? होने चाहिए, कंटेस्टेंट होने चाहिए। सिंगिंग आती है आपको? ओके वेल थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। और मेरा बर्थडे है, प्लीज मुझे विश करते हुए जाएं। वेल मैंने, आपका नाम? इकरा। और मेरी बेस्ट फ्रेंड है शमाइला, उसका भी बर्थडे, लेकिन वो आ नहीं सकी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू इकरा और आपकी फ्रेंड शमाइला। इनकी इनकी जान, इनकी आन, इनकी मान, इनका दिल, इनका गुर्दा, इनका फेफड़ा, दीजिएगा मेरी अंतल हयात। हैप्पी बर्थडे शमाइला, और हैप्पी बर्थडे अस्मा, सुफियान, सबको। यार मेरी इंगेजमेंट हो गई है, सुन लो। किससे हुई है भाई? जो इस लड़की की बेगम है ना भाई, वो वो मुझे आने नहीं दे रही थी फ्रेंड्स के साथ, लाइक गर्ल्स के साथ ना, इनसिक्योर हो रही थी। तो वो थोड़ा मैं से बिल्कुल सबसे बड़ा झूठ है और कुछ चाहता हूँ कि थोड़ा रिक्वेस्ट कर ले कि बाद में मुझसे बात कर ले, मुझे नहीं लगता बात करेंगे। आपसे बात कर लेगी, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। वेल जनाब बाकी के जो लोग मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं जो हमारे शो में आते हैं। वेल जनाब सबसे एक स्पेशल चीज़ ये होती है जो हमारे शो में आते हैं, शो के बाद जो विनर्स होते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं और उनको मौका मिलता है दानिश भाई के साथ तस्वीर बनवाने का, सेल्फी भी होती है और एक ग्रुपिंग होती है लाइक जिसमें सारे विनर्स होते हैं। दानिश भाई सेंटर में खड़े होते हैं, राइट पे विनर्स होते हैं, लेफ्ट पे विनर्स होते हैं, और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के बाकी के विनर्स से। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जल्दी इनके पास लेकर चलते हैं और इनसे पता करते हैं। इनके हाथ में है पिज्जा पॉइंट का वाउचर, जरा मुझे दिखाइए आप किसने जीता ये। शो कैसा लगा आप जी? शो कैसा लगा आप? बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा था शो में?
मतलब के मुझे अच्छा लगता था यहाँ पे आना, दानिश महमूद को देखना। देख लिया? मैं देख लिया जी। नाजे क्या जी? बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। बाकी एक और गिफ्ट हैम्पर यहाँ पे रखा हुआ है, किसका गिफ्ट हैम्पर है? वेल जनाब, तो आपने जीता, इधर आइए आप जल्दी से, इधर आइए। गिफ्ट हैम्पर आपने जीता है, किस गेम में जीता है आपने बताइए? सर मैंने पुशअप्स में जीता है, 40 पुशअप्स लगाए मैंने 40 सेकंड में। 40 सेकंड्स में 40 पुशअप? बट ये कि मेरा 70 का रिकॉर्ड था, तो टाइम की कमी की वजह से मैंने बहुत स्पीड मारी, तो ये कि 40 ही मार सका। 40 ही मार सका मतलब? मगर मेरे उसमें मतलब मैंने तो जेन बनाया था कि मेरा 60-70 का जो रिकॉर्ड है, मगर टाइम की बहुत कम थी, शॉर्टेज थी, तो इसलिए थैंक यू सो मच भाई। वो भी बड़ा मुश्किल काम है। आपको शो कैसा लगा? आसान है सर। अच्छा जिम करते हैं जी? अभी तो आप जीत गए। आपको शो कैसा लगा जी? आपको शो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत इन्जॉय आया यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा लगा। दानिश भाई से मिले, हमें बहुत इन्जॉय, बहुत मज़ा आया। इन्जॉय, बहुत मज़ा आ गया भाई, बहुत मज़ा आ गया। इस वक्त हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची मौजूद है, जल्दी से इससे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा क्या करती हैं आप? काम करवाती हूँ मम्मा के साथ। मम्मा के साथ काम करवा रही हैं? क्या काम करवाती हैं मम्मा के साथ बताएं? मम्मा के साथ क्या काम करवाती हैं ये बताइए आप। झाड़ू लगवाती हूँ। पोछा लगवाती हूँ। और बस कैसे करती हैं आप? आप तो खुद इतनी छोटी सी हैं, आप जितना, आपके जितना तो पोछा होगा। आप मम्मा को बोलती नहीं? मम्मा मैं तो अभी छोटी सी हूँ, आप मुझसे क्यों काम करवा रही हैं? आप बोलती नहीं है मम्मा को? बोलती है मम्मा को नहीं। तो आप मम्मा खामोशी से काम कर लेती हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? केजी वन में पढ़ती हैं। कोई नज़्म याद है आपको? वन में नहीं पढ़ती। केजी वन में आप पढ़ती हैं, कोई नज़्म याद है आपको? सुनाओ जल्दी सुनाओ। क्या सुनाओ? नज़्म सुनानी है भाई, नज़्म सुनानी है। पोयम सुनाओ, पोयम। पोयम। यस। आलू मियां कहां गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारी रो रहे थे, बाजर ने प्यार किया हंस रहे थे, मटर में से कीड़ा निकला डर गए थे, कीड़े ने भाग किया भाग गए थे। वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच। आपको शो कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा शो? अच्छा लगा बहुत। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वेल जनाब उम्मीद करते हैं कि आपको, जी सर आप कुछ कहने वाले हैं? सलाम कर रहा सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आप शो में आए। शो कैसा लगा आपको ये बताइए? बहुत अच्छा लगा। क्या शो में बहुत अच्छा क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, सारे प्रोग्राम अच्छे हुए। सर रमज़ान में लाइक तकरीबन 3 महीने के बाद या 3.5 महीने के बाद रमज़ान आने वाले हैं, तो मुझे ये बताइए रमज़ान में ऑडियंस होनी चाहिए या ऑडियंस के अलावा कंटेस्टेंट होने चाहिए? ऑडियंस होनी चाहिए। कंटेस्टेंट को भगा दें? नहीं भगाए नहीं, उनको भी होना चाहिए। मतलब इंस्टाग्रामर्स टिकटॉकर्स लाइकर्स चैंपियंस जो हमारा फॉर्मेट चलता हुआ आ रहा था 2 साल से, वही होना चाहिए रमजान में या सिर्फ ऑडियंस होनी चाहिए? दोनों होने चाहिए। वैसे तो दोनों होने चाहिए। आंटी एक होगा, आंटी एक, आंटी एक बता। नहीं दोनों होने चाहिए। आंटी एक बता, आंटी एक। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उनसे या तो ऑडियंस करने के लिए आती है और वो मजा देने आते ताकि इंसान एंजॉय कर सके यहां। या तो ऑडियंस या तो कंटेस्टेंट, एक का नाम बताएं। दोनों को होना चाहिए, उनके बगैर प्रोग्राम नहीं चलेगा। ऑडियंस के बगैर मजा नहीं आएगा। आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट था टिकटॉकर्स में से, लाइकर्स में से, चैंपियंस में से, इंस्टाग्रामर्स में? चैंपियन में से। आपका सर? नहीं मेरा तो अभी तक कोई नहीं। शो कैसा लगा? शो बड़ा वीआईपी था, जो बात है सर, मजा आया? बहुत मजा आया, और माशाल्लाह हमारे दानिश भाई बड़ा वीआईपी, बहुत अच्छा यार। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है इनको कहने। जरा उम्मीद करते हैं कि वाला व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से आप लोग बोल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफा एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।